देखिए लोकसभा चुनाव में तो अभी सत्तासीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसके विपक्ष में मजबूत विपक्ष कहीं दिख ही नहीं रहा है। सब धुआं धुआं है, सब एक दूसरे से जिस तरह से गठबंधन ये सब किए हैं लड़ने के लिए, तो विपक्षी एकता ही नहीं है। इसलिए पूरी तरह से 100% यह तय है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। इसका मुख्य कारण है कि देखिए आप विकल्प जनता के पास बढ़िया रहेगा तब तो कहीं इधर उधर लोग जाएंगे ना, विकल्प ही नहीं दिया विपक्षियों ने। सब खींचातानी कर रहे हैं, सब सत्ता के लड़ेंगे, सब एक आदमी ने गठबंधन किया है, कुल मिला के 10-20 हैं सब। ये बताइए कि इस सरकार में शिक्षा का क्या स्तर रहा है? शिक्षा कोरोना के बाद से शिक्षा का कुछ ह्रास हुआ ही था, ऑफलाइन ऑनलाइन चीज़ों को लेकर नई एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट लोग कर नहीं पाए हैं, इसमें लोगों को ध्यान देना चाहिए सरकार में। बेरोजगारी को लेकर के क्या कहेंगे आप? रोजगार के विषय पर भी जो है कि सरकार को ध्यान तो देना ही चाहिए। देखिए युवा वर्ग जो है आज भी रोजगार चाहता है और उसको रोजगार सृजित करके रोजगार इम्प्लीमेंट करना चाहिए सरकारों को, और सरकारें कर भी रही हैं, हम लोग देख रहे हैं। देखिए अभी तो देश में दो गठबंधन दिख रहा है, एक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA है और दूसरा जो अभी बना है इंडिया गठबंधन करके, जिसका नेता अभी जो है कि तय नहीं है। लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है नीतीश कुमार है, कोई कह रहा है राहुल गांधी है, कोई शरद पवार, कोई ममता बनर्जी को बता रहा है। उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग हुआ है PDA के नाम से मऊ में, उसका रिजल्ट दिखा है। लेकिन यदि ये एक एक कैंडिडेट, जैसा कि नीतीश कुमार मीडिया में कहते हुए दिखते हैं कि एक सीट पर एक कैंडिडेट, यदि ऐसा हो पाया तब तो लोकसभा चुनाव में कुछ थोड़ा बहुत अंतर दिखेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से 300 से अधिक सीट पार करेगी। यदि विपक्षी एकता कायम नहीं रख पाए ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी फिर से जो है प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अच्छा आप विकास हुए हैं देश में, मानते हैं इस बात को? जी इस बात को तो हम मानते हैं। कुछ चीज़ें जैसे महंगाई है तो वो एक अस्थायी समस्या रही है देश में, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। लेकिन बाकी जैसे उत्तर प्रदेश में योगी को लेकर आई भारतीय जनता पार्टी तो कानून व्यवस्था सुधरी है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, उसमें इन सब का फायदा लोकसभा में दिखेगा। विदेश में की बात है, विदेश नीति की तो सारी सब तरफ इसकी चर्चा है कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति लगभग जो है कि सफल रही है। कुछ एक छोटे मोटे विवाद जो है तो ये सब सरकारों के साथ सीमा विवाद ये सब चलते रहते हैं। और जनता के स्तर पर जैसे व्यक्ति के स्तर पर कुछ योजनाओं का लाभ पहुंचा है। लगभग भारतीय जनता पार्टी फिर पुनः तीसरी बार सरकार बनाएगी, तो सीटें कम हो सकती है इस बार। क्यों सीटें क्यों कम होगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ सांसदों को टिकट काटी है, वहाँ पर नए लोगों का प्रयोग करेगी और कुछ IAS अधिकारियों को टिकट देने वाले हैं, इसलिए थोड़ा अरेस्ट भी हो सकता है। और ये बताइए कि इस सरकार में रोजगार और शिक्षा की क्या स्थिति रही आपके? रोजगार तो ना मात्रा है, हाँ। शिक्षा उससे भी खत्म कहानी, शिक्षा के मामले में सरकार कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। तो कोई दो काम उल्लेखनीय बताइए इस सरकार का कि तो बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। ऐतिहासिक काम तो भारत सरकार ने सबसे पहले 3 कश्मीर को ठीक किया है, हाँ। राम मंदिर सही किया है जो हिंदू आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा चीज़ हर गरीबों को जो है कोरोना काल वैक्सीन फ्री दिया है, ऐतिहासिक कदम जो विश्व में कोई नहीं दिया, अमेरिका भी नहीं दे पाया, पैसा लिया लेकिन भारत ने फिर दिया। और उजाला योजना के तहत जितने गरीब लोग थे उनके घर में जो है गैस पहुंचाना नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता था। अगर के ये व्यक्ति अगर के लड़ेगा कोई भी तो कांग्रेस सपा बसपा और इधर जो है एक पार्टी अगर के लड़ जाएगी तो मोदी को तो यहाँ से जो है खड़ी हो जाएगी। अच्छा देश में मोदी की स्थिति क्या रहेगी? देश में तो गड़बड़ा जैसे बिहार में गड़बड़ा गए हैं, हाँ। तो यहाँ भी गड़बड़ा जाएंगे। अच्छा तो विकास वगैरह कुछ हुआ है आपके नज़र में? विकास हुआ है देश में कुछ? क्या विकास हुआ रहा है? गंगा जी अभी मरम्मत जा ही रहा है, क्या विकास हुआ है? सड़क जो है फरहत पड़ा है, गंगा जी ढही गई हैं, जो पाइप आई हैं तो पाइप ढह के गंगा जी और गढ़ा में चल गई हैं। गंगा जी में साफ सफाई नहीं हुआ है? साफ सफाई कहाँ गया है? आप डबल गंगा बना के जो 14 करोड़ रुपया आप खर्चा कर दिए, तो आप किसको चाहते हैं कि कौन देश का प्रधानमंत्री बने? हम तो चाहते हैं सोनिया बने या तो राजू बने। सोनिया या राहुल में से किसी एक को चाहते हैं? हाँ।